मैं मुसैब वानी, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट एमजी नरेगा इंजीनियर्स एसोसिएशन। आज हम जो प्रेस क्लब जम्मू में जमा है अपने उन अल्टीमेट और जायज़ डिमांडों को उनकी फुलफिलमेंट के लिए सरकार को जगाने के लिए हम यहां पे जमा है। हमारा प्रेस क्लब में आज ये जो धरना है ये उस कारण है जो सरकार ने हमारे साथ जो है सौतेली माँ का सलूक किया है। हमारी रेगुलराइजेशन की पॉलिसी और हमारी फाइल जो सेक्रेटरेट में धूल चाट रही है उस कारण हम सरकार को जगाना चाहते हैं कि आप 10 साल से पढ़े लिखे इंजीनियर से काम करवा रहे हैं और 11,000 पे आप यहाँ के पढ़े लिखे इंजीनियर से 15 साल से काम करा रहे हैं, जो आज कल की डेट में शायद इससे बड़ी कोई नाइंसाफ़ी हो। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ के यूथ जो है इन्होंने अपना गोल्डन पीरियड जो है पूरी जवानी जो है इस डिपार्टमेंट की स्कीम्स चलाने में दिया है। हालांकि ये यूथ्स जो है वो रिक्रूट हुए थे खाली इस मुल्क की सबसे बड़ी स्कीम जो थी मनरेगा को चलाने के लिए, लेकिन हमारी जो स्टेट इंतज़ामिया है उन्होंने इनकी सर्विसेज पिछले 15 साल से सिर्फ नरेगा में ही नहीं बल्कि इस डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कीम्स थी, चाहे वो 14th FCA और 15th FCA से लेके इनके बहुत बड़े प्लान जो बैक टू विलेज के हों या PRI और BDC DDC जैसी ग्रांट्स हों, 15 साल से ये यूथ जो है इन तमाम प्लान्स को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इस आश्वासन और इस यकीन दहानी पर कि सरकार इनके बारे में कुछ सोच रही है और मुस्तकबिल करीब में इनको जो है मुस्तकिल जॉब पॉलिसी देकर जॉब पॉलिसी को अमली जामा पहनाया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि 15 साल गुजरने के बाद भी अपनी जवानी और अपनी ज़िंदगी इस डिपार्टमेंट को देने के बावजूद भी आज भी वो जो है फाइलें ठंडे बस्ते में सेक्रेटरेट में पड़ी हुई है। हम सरकार को जगाना चाहते हैं कि आपने यहाँ के पढ़े लिखे इंजीनियर्स के साथ नाइंसाफ़ी की है, न सिर्फ इंजीनियर्स को बल्कि उनके बाल बच्चों का आपने गला घोंट दिया है कि इतनी महंगाई के दौर में आपको एक इंजीनियर 11,000 पे पूरा डिपार्टमेंट चला रहा है। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि बाकी डिपार्टमेंट को जब आपको इंजीनियर्स की शॉर्टेज फील हुई डिपार्टमेंट में आपने रिटायर्ड इंजीनियर्स को हायर किया है, वो इंजीनियर जो घुटने और कमर के दर्द से अब उठ नहीं पाते हैं, जिन्होंने 6 महीने गुजरने के बावजूद अभी अपने हाथ में कलम तक नहीं उठाया है, उनको 30,000 रुपये दे रहे हैं डिमांड।